हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सब भी मेरी दोस्तों को, फीमेल फ्रेंड्स को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब ने फास्ट किया होगा, और फास्ट किया होगा तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। मैंने मॉर्निंग में जो भी अपना नहाना धोना था वो सब चीज़ कर ली है। ये अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ, इस वजह से थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। मॉर्निंग में 4 बजने वाले हैं। मैं ज़रा पूजा कर लेती हूँ, और पूजा करने के बाद मैं सरगई करनी है मुझे, तो इसलिए काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर सरगई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक। तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है और इसके बाद मैं सरगई करने जा रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, बस मैंने नारियल पानी ऑलरेडी लेके रखा हुआ था, तो मैं वो नारियल पानी लूँगी और थोड़ा सा मतलब एक रसम के लिए लूँगी। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ खाऊँगी नहीं। तो मैंने सिर्फ ये नारियल पानी, एक एप्पल और ये कोकोनट लिया है, जिसे मैं कट नहीं कर सकती थी। और कोकोनट जो था वो मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले ही कट करके मैंने फ्रिज में रख लिया था, तो आज मैं नाइफ़ का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये ऐसे ही एज इट इज़ खाऊंगी मैं एप्पल को। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने सरगई कर ली है। सरगई के लिए सिर्फ मैंने छोटा सा कोकोनट का पीस लिया था, एक एप्पल लिया था और कोकोनट वाटर लिया था। कोकोनट वाटर से मुझे पूरा दिन एनर्जी मिलेगी, इसलिए मैंने कोकोनट वाटर लिया था। और एक एप्पल खाना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी है, इसलिए मैंने एक एप्पल खाया। मुझे पता था कि इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगी, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मॉर्निंग सरगई में खाना भी खा लेते हैं, मतलब अनाज जो मील होता है वो ले लेते हैं, बट मैंने आज तक तो नहीं लिया है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी अभी तक कभी कि मील लेने की ज़रूरत पड़े। मैं एक फ्रूट और कोकोनट वाटर से ही अपनी सरगई कर लेती हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ अभी काम है नहीं, मॉर्निंग में 4:30 बजने वाले हैं, 4 से ऊपर हो गया है टाइम, तो अभी कुछ ज़्यादा इतना काम है नहीं। तो मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मॉर्निंग में उठेंगे और अपनी डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मेरा किचन का काम स्टार्ट हो गया है। मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है हस्बैंड के लिए, ताकि वो लंच ले जाएं और मतलब ब्रेकफास्ट करके भी जाएं। और ज़्यादा हम सब तो ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं घर की लेडीज़, तो जेंट्स के लिए बस ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी, बस रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी बन रही है और नॉर्मल रोटी बनेगी, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं बनेगा। बाकी जो भी अच्छा अच्छा बनना है वो सब इवनिंग में बनेगा। मेरे को डर लग रहा है कि कहीं मेरे मुंह में कोई मैं चीज ना डाल लूं। ध्यान रखियो ना। हाँ। मेरे तो दूसरे परहेज भी है ना, चक्कू, सुई, कैंची। रोटी वोटी बना ले, रोटी में भी परहेज था क्या? नहीं, रोटी वोटी में नहीं है, रोटी अच्छा। साफ सफाई किसी में नहीं है अच्छा। कपड़े नहीं धोने, जो साबुन नहीं लगाना अच्छा। और कैंची नहीं छूनी, कैंची नहीं चलानी, सुई नहीं चलानी, चाकू नहीं चलाना। तो यहाँ हम दोनों ने सास बहू में बातें करते करते ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है। और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद अब हम जेंट्स को खिला देंगे खाना, और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि घर की साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है, मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, रोटी और सब्जी ही है सिर्फ। उसके बाद शाम में जो भी पकवान बनने हैं वो शाम में। इस तरीके से मैं साथ ही साथ इनका लंच भी तैयार कर दिया है मैंने, बस लंच को पैक करके और देना है मुझे। जोर से बोला, जोर से बोला, जोर से बोला, आवाज नहीं रही। ये हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, और ये मेरे लिए लंच पैक कर रही है। दो। कौन सा बैग?
तो लंच भी हो गया है पैक, और लंच में पैक करके अभी उनको दे दूंगी, और उनका ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया है, बस वो लंच के लिए वेट कर रहे हैं। लंच लेते ही वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, और इसके बाद मैं अब फ्री हो जाऊंगी, तो जो भी अब मुझे घर का काम करना है वो मैं करूंगी, और थोड़ा अपने लिए टाइम निकालूंगी। काफ़ी देर हो गई है कि मैं दूसरे कामों में ज़्यादा लगी हुई हूँ, फास्ट है तो मुझे अपने लिए भी थोड़ा तैयारी करनी है, वो सब करूँगी। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड मेरे निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, और अब मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ, क्योंकि एक बार जब हस्बैंड घर से चले जाते हैं तो थोड़ा काम जो जितनी देर मतलब प्रेशर रहता है उसका, वो प्रेशर ख़त्म हो गया अब मेरा, तो अब मैं रिलैक्स होकर अपने लिए काम करूँगी जो भी करना है। पहले मैं अपना थोड़ा रूम समेटूँगी, क्योंकि पूरे घर में तो साफ़ सफ़ाई हो चुकी है पहले ही, लेकिन यहाँ मेरे रूम की साफ़ सफ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो लेट मतलब मेरे मुझसे ज़्यादा टाइम तक सो रहे थे, और जब वो उठे हैं तो उसके बाद मैं किचन में ही लगी हुई थी, तो मैं किचन से अब फ्री हुई हूँ, तो अब मैं पहले अपने रूम को क्लीन करूँगी और उसके बाद अपने लिए कुछ करूँगी। तो इस तरीके से मैंने बेड को ठीक कर लिया है, और इस तरीके से मैं कॉम के साथ बेडशीट को बिछाती हूँ। ये एक ट्रिक अच्छी लगती है मुझे, कि ऐसे मतलब इस कॉम की यूज़ से मैं बेडशीट को अच्छे से टाइट करके बिछा पाती हूँ। और फ्रेंड्स, इस तरफ का तो ये कॉर्नर जो है इसको तो मैं श्रापित कहती हूँ, क्योंकि ये कभी भी मैं चाहे जितना मर्जी इसको ठीक कर लूँ, ये इस एक दिन में या ये थोड़ी देर में ही ऐसा ही हो जाता है दोबारा। और बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा एक श्रापित कोना ज़रूर होगा। और थोड़ा ये वॉल को अवॉइड करिएगा, क्योंकि लास्ट जो बारिश हुई है दिल्ली में, तो उसकी वजह से ये पूरे घर में मेरे सीलन आ गई है, और पूरा रूम जो है इसमें बहुत ज़्यादा सीलन आने की वजह से ये पपड़ी सारी बन गई थी। तो इसको अब ठीक कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप इसको अवॉइड करिए। तो इस तरीके से मैं अपना सोफ़े को क्लीन कर लूँगी, सबसे पहले इनका लैपटॉप संभाल के रखूँ, जितनी देर ये रहते हैं सब कुछ फैला के ही रखते हैं, सब कुछ इनको अपने सामने चाहिए होता है। तो जल्द जल्दी मैंने इस सोफ़े को भी क्लीन कर लिया है, देखे कैसी हालत हो जाती है इसकी, सिर्फ अगर 1 से 2 दिन में मैं इसको ठीक ना करूँ ना, तो ये 2 दिन में ऐसी ही हालत हो जाती है इसकी। तो इस तरीके से मैं अपने सोफ़े को कर लिया है मैंने क्लीन, और क्लीन करने के बाद देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी कुछ ऐसा होता है जो आप जितना मर्ज़ी उसको क्लीन करने की कोशिश करें लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फैल ही जाता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ़िलहाल मेरी क्लीनिंग तो हो गई है इसी के साथ एंड, और अब मैं करूँगी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ, प्रिपरेशन करूँगी। तो सबसे पहले मैं अभी तक मैंने अपने कलर्स वगैरह नहीं किए हैं नेल्स को, तो मैं नेल पेंट वगैरह लगा रही हूँ, और मैंने मेहंदी भी पैरों में नहीं लगाई थी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, खुद से ही मेहंदी लगा रही थी मैं अपने हाथों में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे, उतना हाथ बहुत तेज़ चलता नहीं है मेरा, थोड़ा स्लो ही हाथ चलता है, तो मेहंदी पैरों में नहीं लगा पाई थी। बट मैंने ये सोच लिया था कि अगर पैरों में नहीं लगा पाऊँगी तो मॉर्निंग में आलता से मतलब पैरों को रंग लूँगी, तो वही किया है मैंने मॉर्निंग में, सारे काम निपटा कर उसके बाद मैंने पैरों में आलता लगा लिया है, इससे भी पैर बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप कभी मेहंदी मतलब नहीं लगा पाते हैं तो आप भी आलता यूज कर सकते हैं, आलता से पैर बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि तो इस तरीके से मैंने आलता लगा लिया है, तो पूरा दिन ऐसा निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा, टाइम इतना लंबा लग रहा है, इतना लंबा लग रहा है, भूख तो खैर नहीं लग रही, हाँ लेकिन वीकनेस थोड़ी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है अब थोड़ा सा देर रेस्ट किया जाए, तो अब थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद ही कुछ करूँगी, अभी तो कुछ काम भी नहीं दिख रहा कि कुछ काम किया जाए, और थोड़ा बॉडी भी इस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, तो थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो वाला टाइम आ गया है जिसमें हमें मेकअप करके रेडी होना है। हर लेडीज़ का ये तो रहता ही है कि भाई जल्दी से करवा चौथ आए और हम अच्छा सा पूरा मेकअप करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ करें, तो ये बिल्कुल लास्ट मिनट वाला मेकअप था मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी, और रेस्ट करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया, फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए, अब मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, हेयर स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, लास्ट टाइम पर तो वैसे भी नहीं समझ आता हेयर स्टाइल क्या करना चाहिए। तो अगर आप कंप्लीट फुल वीडियो देखना चाहते हैं मेकअप का, तो
वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तब आप देख लीजिएगा। और मैं फाइनली रेडी होके पहुँच चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और यहाँ पर सभी आ चुके थे, सिर्फ लास्ट में ही मैं पहुँची हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं, तो ग्रुप में पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो अकेले घर में पूजा कर लेते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि हो सकता है आप सही करते हो, बट ग्रुप में करने से एक आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप कुछ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो आपको लोग बाकी लोग होते हैं जो समझा देंगे। तो कोशिश करिए कि आप ग्रुप में पूजा करें। तो फाइनली यहाँ पूजा हो चुकी है, कथा जो सुननी थी हमें वो सुन चुके हैं, और कथा सुनने के थोड़ी ही देर बाद चांद भी निकल गया है अपने टाइम पर। लास्ट टाइम की तरह इस बार चांद ने धोखा नहीं दिया है दिल्ली में। लास्ट टाइम तो बारिश की वजह से चांद दिखा ही नहीं था, हम लोगों ने ऐसे ही पूजा की थी, तो इस टाइम पर चांद निकल गया है और मैंने चांद की पूजा अच्छे से कर ली है। और इसके साथ मैं व्लॉग को अपना यहीं एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए व्लॉग शूट करना। व्लॉग शूट करते करते हम अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी दूर हो जाते हैं और सिर्फ कैमरे के आगे ही रह जाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपना व्लॉग अच्छे से शूट कर सकूं। अगर कुछ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और आने वाली वीडियोस के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी आगे, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।